लेखा शास्त्र 12 अध्याय 3 साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु की दशा में जीवन बीमा पॉलिसी का समायोजन। नमस्कार मित्रों, मैं रामावतार बटुक आपका स्वागत करता हूं। मैं एक स्वयंपाठी विद्यार्थी हूं। मैं इस प्रकार पढ़ता हूं कि मुझे 70% से अधिक याद हो जाता है। प्रश्न 1, समर्पण मूल्य किसे कहते हैं? उत्तर, बीमित व्यक्ति बीमा कंपनी से अपनी पॉलिसी को समर्पित करने के बदले उस स्थिति को जो राशि प्राप्त करता है उसे समर्पण मूल्य कहते हैं। प्रश्न 2, निवृत्ति के दिन पॉलिसी के समर्पण मूल्य की राशि सभी साझेदारों में लाभ व्याजन अनुपात में किस दशा में बांट दी जाती है? उत्तर, यदि संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी सभी साझेदारों के जीवन पर ले रखी है और प्रीमियम को व्यापारिक खर्च माना जाता है। प्रश्न 3, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी किसे कहते हैं? उत्तर, फर्म द्वारा सभी साझेदारों के जीवन पर ली गई एक ही पॉलिसी को संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी कहते हैं। प्रश्न 4, पृथक जीवन बीमा पॉलिसी किसे कहते हैं? उत्तर, फर्म द्वारा सभी साझेदारों के जीवन पर अलग अलग ली गई पॉलिसी को पृथक या व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी कहते हैं। प्रश्न 5, पॉलिसी खाता समर्पण मूल्य पर ही कब दिखाया जाता है? उत्तर, जब प्रीमियम को पूंजीगत खर्च माना जाता है। प्रश्न 6, शाश्वत सत्य क्या है? उत्तर, मृत्यु एक शाश्वत सत्य है जिसे टाला नहीं जा सकता। प्रश्न 7, फर्म साझेदार के जीवन पर कैसी जीवन बीमा पॉलिसी ले सकती है? उत्तर, व्यक्तिगत या संयुक्त दोनों प्रकार की जीवन बीमा पॉलिसी ले सकती है। प्रश्न 8, फर्म द्वारा साझेदारों के जीवन पर बीमा पत्र लेने का उद्देश्य क्या है? उत्तर, निवृत्त या मृतक साझेदार के उत्तराधिकारों को उसकी समायोजित पूंजी का भुगतान करने के लिए फर्म बीमा पत्र लेती है। प्रश्न 9, व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी क्या है? उत्तर, फर्म द्वारा प्रत्येक साझेदार के जीवन पर पृथक पृथक जीवन बीमा पत्र लेना व्यक्तिगत या पृथक जीवन बीमा पॉलिसी कहते हैं। प्रश्न 10, प्रीमियम को पूंजीगत खर्च मानने की दशा में लेखा किस प्रकार होगा? उत्तर, इस दशा में पॉलिसी खाता पुस्तकों में समर्पण मूल्य पर ही दिखाया जाता है। प्रश्न 11, प्रीमियम को पूंजीगत खर्च माना जाए तो क्या पृथक पॉलिसी बनेगी? उत्तर, नहीं, कोई पृथक प्रविष्टि नहीं बनेगी, पर पॉलिसी का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो पुस्तक मूल्य पर पुनर्मूल्यांकित मूल्य के अंतर को पुनर्मूल्यांकन खाते के माध्यम से ही समायोजित करते हैं। प्रश्न 12, प्रीमियम को पूंजीगत खर्च माना जाता है तो चिट्ठे में कैसे दिखाएंगे? उत्तर, चिट्ठी में पॉलिसी खाते को पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाएगा। प्रश्न 13, पृथक जीवन बीमा पॉलिसी पर देय प्रीमियम को कौन चुकाता है? उत्तर, प्रत्येक प्रीमियम फर्म ही चुकाती है। प्रश्न 14, फर्म द्वारा चुकाए गए प्रीमियम उसके लिए क्या है? उत्तर, फर्म के लिए साधारणतया खर्चा ही माना जाता है। प्रश्न 15, प्रत्येक साझेदार के जीवन पर ली गई पॉलिसी की राशि फर्म को कब मिलती है? उत्तर, पॉलिसी परिपक्वता की तिथि को अथवा साझेदार की मृत्यु होने पर फर्म को प्राप्त हो जाती है। प्रश्न 16, फर्म द्वारा चुकाया गया प्रीमियम कौन सा खर्च माना जाता है? उत्तर, ये आयगत खर्च माना जाता है। प्रश्न 17, फर्म द्वारा चुकाए गए खर्च को लेखा वर्ष के अंत में कहाँ अंतरित किया जाता है? उत्तर, लाभ हानि खाते में अंतरित किया जाता है। प्रश्न 18, किसी भी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर बीमा कंपनी से प्राप्त राशि का क्या किया जाता है? उत्तर, मृतक तथा जीवित सभी साझेदारों की व्यक्तिगत पॉलिसियों के समर्पण मूल्य को जोड़कर सभी साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है। प्रश्न 19, मृतक साझेदार को पॉलिसी की देय राशि की गणना किस प्रकार की जाती है?
उत्तर मृतक साझेदार की पॉलिसी से प्राप्त राशि प्लस शेष जीवित साझेदारों की व्यक्तिगत पॉलिसियों का जीवित साझेदारों की व्यक्तिगत पॉलिसियों का समर्पण बराबर कुल राशि मृतक साझेदार का हिस्सा बराबर कुल राशि गुणा मृतक साझेदार का लाभ विभाजन अनुपात। प्रश्न 20 संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी किसे कहते हैं। उत्तर फर्म द्वारा साझेदारों के जीवन पर पृथक पृथक पॉलिसी के स्थान पर ली जाने वाली एक ही पॉलिसी को संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी कहते हैं। प्रश्न 21 साझेदार की मृत्यु पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की समर्पण मूल्य को किस प्रकार बांटा जाता है। उत्तर सभी साझेदारों मृतक साझेदार सहित में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट दी जाती है। प्रश्न 22 संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी पर चुकाए जाने वाले प्रीमियम को संबंध में कितनी स्थितियां हो सकती है। उत्तर 1 बीमा प्रीमियम को व्यापारिक व्यय मानकर लेखा। 2 बीमा प्रीमियम को विनियोग पूंजीगत व्यय मानकर लेखा। 3 बीमा प्रीमियम को विनियोग मानना तथा उतनी ही राशि से संचय का निर्माण करना। प्रश्न 23 कुछ लेखापाल प्रीमियम के भुगतान को व्यापारिक खर्च न मानकर इसे विनियोग क्यों मानते हैं। उत्तर क्योंकि जीवन बीमा में विनियोग का तत्व निहित है। प्रश्न 24 संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम को विनियोग माने तो लेखे किस प्रकार होंगे। उत्तर प्रीमियम भुगतान करने की पर प्रीमियम की राशि को संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते को डेबिट किया जाता है तथा इसे चिट्ठी में संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। प्रश्न 25 प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का शेष कितना रखा जाता है। उत्तर समर्पण मूल्य के बराबर रखा जाता है। प्रश्न 26 संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते की राशि व समर्पण मूल्य के अंतर को लाभ हानि खाते में क्या किया जाएगा। उत्तर डेबिट किया जाएगा। प्रश्न 27 चिट्ठे में संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता विनियोग के रूप में समर्पण मूल्य पर कब दिखाया जाता है। उत्तर जब बीमा प्रीमियम को विनियोग मानते हैं तथा उसकी राशि से संचय का निर्माण करते हैं। प्रश्न 28 जीवन बीमा पॉलिसी संचय खाते का निर्माण प्रतिवर्ष लाभ हानि नियोजन खाते में से क्यों किया जाता है। उत्तर परंपरा की अनुपालना तथा संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते में शेष तथा पॉलिसी के समर्पण मूल्य के अंतर को जीवन बीमा पॉलिसी संचय खाते से समायोजित किया जा सके। प्रश्न 29 साझेदार लेखा वर्ष के दौरान मध्य अवकाश ग्रहण क्यों कर लेता है। उत्तर असामान्य परिस्थितियों की दशा में साझेदार का अवकाश ग्रहण हो जाता है। प्रश्न 30 देय राशि का निर्धारण वर्ष के मध्य कब करना पड़ता है। उत्तर साझेदार के अवकाश ग्रहण करने या मृत्यु की दशा में उसको देय राशि का निर्धारण वर्ष के मध्य किसी तिथि को करना पड़ता है। प्रश्न 31 लेखा वर्ष के मध्य साझेदार के अवकाश ग्रहण कर या मृत्यु की दशा में उसे या उसके उत्तराधिकारी को देय राशि के समायोजन के लिए कौन से पूंजी खाते करने पड़ते हैं। उत्तर 1 वेतन बोनस कमीशन व फीस आदि। 2 पूंजी पर ब्याज। 3 आरण व उस पर ब्याज। 4 जीवन बीमा पॉलिसी। 5 फर्म के लाभों में हिस्सा समय के आधार पर तथा विक्रय के आधार पर। 6 ख्याति में हिस्सा। 7 संपत्तियों व दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न लाभ हानि में हिस्सा अवितरित लाभ हानियों व संचयों में हिस्सा। प्रश्न 32 लेखा वर्ष के मध्य साझेदार अवकाश ग्रहण अथवा मृत्यु पर उसके वेतन बोनस कमीशन फीस आदि का समायोजन किस प्रकार किया जाता है। उत्तर विगत चिट्ठे की तिथि से निवृत्ति या मृत्यु तिथि तक का वेतन बोनस कमीशन व फीस आदि की राशि उसके पूंजी या चालू खाते में जमा कर दी जाती है। प्रश्न 33 लेखा वर्ष के मध्य साझेदार के अवकाश ग्रहण मृत्यु पर उसकी पूंजी पर ब्याज का समायोजन किस प्रकार करते हैं। उत्तर विगत चिट्ठे की तिथि से निवृत्ति या मृत्यु तिथि तक का पूंजी पर ब्याज उसके पूंजी खाते या चालू खाते में क्रेडिट किया जाता है।
प्रश्न 34 लेखा वर्ष के मध्य साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर उसके आहरण व उस पर ब्याज का समायोजन किस प्रकार किया जाता है। उत्तर विगत चिट्ठे की तिथि से निवृत्ति या मृत्यु तक के आहरण और इन पर ब्याज उसके पूंजी या चालू खाते में डेबिट किया जाता है। प्रश्न 35 लेखा वर्ष के मध्य साझेदार के अवकाश ग्रहण अथवा मृत्यु पर उसके जीवन पर संयुक्त या पृथक जीवन बीमा पॉलिसी का समायोजन किस प्रकार किया जाता है। उत्तर यदि साझेदार के जीवन पर संयुक्त या पृथक बीमा पॉलिसी ले रखी है तो ऐसे साझेदार के हिस्से की गणना करके उसके पूंजी या चालू खाते में क्रेडिट किया जाता है। प्रश्न 36 लेखा वर्ष के मध्य साझेदार के अवकाश ग्रहण अथवा मृत्यु पर फर्म के लाभों में उसके हिस्से का समायोजन किस प्रकार किया जाता है। उत्तर विगत चिट्ठे की तिथि से अवकाश ग्रहण या मृत्यु तिथि तक का लाभों में हिस्सा गणना करके उसके पूंजी या चालू खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। प्रश्न 37 लेखा वर्ष के मध्य साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर फर्म के लाभों में उसके हिस्से की गणना किस प्रकार करते हैं। उत्तर 1 समय के आधार पर तुरंत पूर्व वाले वर्ष या विगत कुछ वर्षों के औसत लाभ को आधार मानते हुए विगत चिट्ठे की तिथि से अवकाश ग्रहण या मृत्यु की तिथि तक की अवधि का अनुपालित लाभ ज्ञात कर उसमें ऐसे साझेदार का हिस्सा उसके पूंजी खाते या चालू खाते में क्रेडिट किया जाता है। 2 विक्रय के आधार पर विगत वर्ष के लाभ का उसी वर्ष के विक्रय से प्रतिशत याद किया जाता है। तत्पश्चात विगत चिट्ठे की तिथि से अवकाश ग्रहण या मृत्यु की तिथि तक की विक्रय पर उसी प्रतिशत के आधार पर लाभ ज्ञात कर ऐसे साझेदार का हिस्सा उसके लाभ व्याजन अनुपात में ज्ञात कर उसके पूंजी खाते या चालू खाते में क्रेडिट किया जाता है। प्रश्न 38 साझेदार के अवकाश ग्रहण पर अंतिम भुगतान का निस्तारण न हो तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 37 के अनुसार उसके अधिकार बताइए। उत्तर 1 वह अंतिम भुगतान प्राप्त करने तक की अवधि का बकाया रकम पर 6% वार्षिक ब्याज प्राप्त करे। 2 उस अवधि में अर्जित लाभ में निवृत्ति की तिथि से पूंजी में हिस्सा प्राप्त करे। दोनों में से जो अधिक लाभदायक हो उस विकल्प को चुन सकता है। धन्यवाद।